गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं मिस एक्सेसिंग क्लास। एमएस एक्सेस में हम इस समय पढ़ रहे थे फॉर्म बनाना। आज मैं उसी में आपको आगे बताने वाला हूँ। हम फॉर्म भी क्रिएट करते हैं, साथ में मैंने आपको मेन फॉर्म सब फॉर्म भी बताया था। आज मैं उसी के आगे रिपोर्ट बनाना भी आपको सिखाता हूँ। डेटाबेस में जो एक्चुअल में डेटा होता है, जब हमको उसको हार्ड कॉपी के रूप में आवश्यकता होती है, तो उसकी रिपोर्ट बना करके हमको प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं उसको हम। आइए स्टार्ट करते हैं सक्सेस। जैसे हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं, वैसे ही रिपोर्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं, हेड फुटर बना सकते हैं, डिजाइन भी यूज कर सकते हैं, और फॉर्म के अंदर रिपोर्ट को एज ए बटन अटैच करा सकते हैं, जिससे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। मैंने कई कंपोनेंट्स आपको बताए थे बनाना, फॉर्म के अंदर कई कंपोनेंट हमने बनाए भी थे और कई प्रकार के फॉर्म भी हमने डिजाइन किया था, मेन फॉर्म बनवाया था बना करके, और इन फॉर्म के अंदर भी कई फॉर्म हमने यूज किए थे। ये देखिए सारे फॉर्म हमने बनाए हुए थे। ये पूरा डेटाबेस मैंने आपको बताया हुआ है। अब मैं रिपोर्ट और यहाँ पे एक बटन बना करके रिपोर्ट को अटैच करना। रिपोर्ट बनाने के लिए आप क्रिएट पे जाएंगे। देखिए पहले हमने टेबल पार्ट सीखा, टेबल, फिर क्वेरी पार्ट सीखा, फिर अब फॉर्म पार्ट सीखा, अभी भी हम आगे भी फॉर्म पढ़ेंगे, ये रिपोर्ट का पार्ट। रिपोर्ट बनाने के लिए आप डायरेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं या फिर डिजाइन व्यू का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर्म बनाया था, डिजाइन व्यू पे मैंने क्लिक किया, सेम उसी के तरीके जो लोगो हमको देना हो वो आप निर्धारित करें। लोगो के रूप में, और जो हमको टाइटल निर्धारित करना हो वो भी हम दे सकते हैं। रिपोर्ट हेडर और पेज हेडर दोनों में अंतर होता है। इस पेज के लिए क्या हेडर देना है, मास्टर रिपोर्ट हमने दिया। पेज हेडर यदि आप देना चाहते हैं तो पेज हेडर भी आप दे सकते हैं, फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, डिजाइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी यदि आपको कोई लोगो देना है तो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे यदि हमको पेज हेडर में कुछ लिखना है तो मैं लिख भी सकता हूँ, लाइव रिपोर्ट। और उसके बाद आप जो कंट्रोल यूज करना, यहाँ पे जो भी आप कंट्रोल बनाना चाहते हैं, जो किसी टेबल के डेटा को भी हमको उसमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको जैसे एग्जिस्टिंग टेबल है यहाँ पे शो टेबल कराएंगे, तो भी टेबल में डेटा ये देखें। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे रोल नंबर एक लिस्ट के रूप में एस नेम, और सीधा मैं चाहता हूँ डी ओ डी भी दे देता हूँ। रिपोर्ट को अपने अकॉर्डिंग मैं चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मार्क्स डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और संस्कृत।
तरीके से कहीं पे भी हमको टोटल और मैक्सिमम मार्क्स की जरूरत है, मान लो मैं यहाँ टोटल देना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं टोटल दे सकता हूँ, इसी के बाद मैं परसेंटेज चाह रहा हूँ तो यहाँ परसेंटेज दे दिया। एक नॉर्मल रिपोर्ट बनाना मैं बता रहा हूँ, साइड में मुझे डिवीजन देना है, डिवीजन। ओके स्टूडेंट, अब यदि हेडर फुटर में भी मैं कुछ देना चाह रहा हूँ तो फुटर में भी दे सकता हूँ, पेज नंबर मुझको चाहिए तो मैंने एक यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे पेज नंबर, पेज नंबर कैसा देना है नॉट जो भी आपने, टॉप पेज, बॉटम पेज, फुटर पेज, फुटर में पेज नंबर भी आ जाएगा। और स्टूडेंट डेट एंड टाइम यदि आप देना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम भी आप दे सकते हैं। ओके, इस तरीके से इसके अलावा यदि आप अपना नाम लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, क्रिएटेड बाई मिस्टर आर्डो शुक्ला। पेज नंबर जिस कलर में आपको देना हो। ओके, इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप उसमें क्लिक करिएगा। देखिए अभी थोड़ा सा सिस्टमेटिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स, लाइव रिपोर्ट, ऐसे ये पूरे पेज पे आएगा, जितने भी रिकॉर्ड हैं ऐसे डिस्प्ले। अब इस रिपोर्ट को नंबर ऑफ क्रिएटेड बाय, ये रिपोर्ट हमारी डायरेक्ट प्रिंट हो सकती है, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से प्रिंट होके रिपोर्ट आए, ऊपर डेट एंड टाइम आए। अब इस रिपोर्ट को हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, ये चेंजेस करना होगा, ये हम पूछेंगे कि कैसे चेंजेस करेंगे, किस प्रकार से हम इसको बनाएं और अच्छी डिजाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँ। एक तरीका और है मेरे पास, ये अभी हमने डिजाइन व्यू के माध्यम से बनाया है रिपोर्ट को, हम डिजाइन भी ना यूज करके डायरेक्ट भी मैं रिपोर्ट को क्रिएट कर, ये देखिए ब्लैंक या रिपोर्ट या विजार्ड, विजार्ड का आप यूज करिएगा रिपोर्ट के लिए, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई जा सकती है विजार्ड के माध्यम से। जो भी आपको डिफाइन करना है, पूरी फील्ड लेना है पूरी फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए यू टू वांट टू एड इन द ग्रुपिंग, ग्रुप भी बनाया जा सकता है, रोल नंबर के आधार पर सभी का इंटरेस्ट अलग अलग है, तो ग्रुपिंग मैं रोल नंबर से कर देता हूँ। देखिएगा एस एन डी पर भी दिया जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग। एक ये देखिए सिस्टमैटिक, अब चूंकि रिपोर्ट की फील्ड बहुत ज्यादा थी इसलिए पूरी फील्ड यहाँ पे हमारी डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हमको इन फील्ड को थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा, ऐसे इस प्रकार से हमको बनाना पड़ेगा। और सभी फील्ड को एडजस्ट करना पड़ेगा, हम एक बार विजार्ड का यूज करके और फिर इसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन, इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे रिपोर्ट बनाने में उतनी अच्छी रिपोर्ट आपको बनती है, ये नेम जीरो भी बना, ऐसे एडजस्ट करके आपको रिपोर्ट को बनाना है। और जैसे मैंने डिजाइन को रिपोर्ट बताया वो भी आप बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया क्रिएट डिजाइन पे बचाओगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रिपोर्ट ले लीजिएगा, लोगो लगा दीजिएगा, एस टाइटल दे दीजिएगा जैसे दिया मार्क्स, और उसके बाद डेट एंड टाइम और इंसर्ट इमेज जो भी आप देना चाहें ये आप यूज कर लीजिएगा। इसके बाद मैं जब यहाँ पेज हेडर का यूज कर लूँगा, पेज हेडर मतलब हेडिंग, जब हम इसको बनाएंगे उस रिपोर्ट को, मैं सिस्टमेटिक रिपोर्ट बता रहा हूँ, मान लीजिए लिया रोल नंबर, तो ये जो रोल नंबर है ये जो टेक्स्ट आना है इसको पेज हेडर में रखिएगा और इसका जो रोल नंबर आएगा वो यहाँ आएगा,
पे काम करिएगा, आप एक ही सेलेक्ट करिएगा, इसको सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया और इसको भर रखिएगा, तब सही आएगा। नेम चाहिए तो यहाँ मैंने रख दिया नेम, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हिंदी के मार्क्स, ऐसे इंग्लिश के मार्क्स और ऐसे मान लीजिए तीन का बता देता हूँ, फिर आगे आप कर लीजिए। इनके जो कैप्शन प्रॉपर्टी इनको डिलीट कर दीजिएगा, यानी कि लेबल को डिलीट करना है, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स रखना है, ये जितने भी लेबल है इनको आपको डिलीट करना है ऐसे। और लेबल आपको कहाँ देना है मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से सीधा लेबल लीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा रोल नंबर, रोल नंबर इस तरह। ओके स्टूडेंट्स, और इसको मान लीजिए कलरफुल आप बना दीजिएगा, थोड़ा कलरफुल बोल्ड किया, साइज बढ़ाया मैंने, सी कंट्रोल ये लिया, नहीं इस तरीके से। अब आपको समझ में आ गया होगा, आप कॉपी और पेस्ट करिएगा, ऐसे ही बनाते चलिए हिंदी। अब मैं इतना आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, अभी आप बना लीजिएगा, इसका प्रीव्यू देखिएगा इस तरीके से दिखा ले, ऐसे आप उसको ये पेज जैसे ही आपको फॉर्म, ऐसे ही आप क्या डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइन को फिर से क्रिएट किया लोगो टाइटल। अब आप समझ गए होंगे जिस प्रकार से मैंने फॉर्म बनाया था उसी प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, रिपोर्ट, डेट टाइम, डेट टाइम, कलर करना है तो कलर भी कर देते। इसके बाद आप पेज हेडर पे आप ध्यान देना, मैं यहाँ पर बहुत कम फील्ड लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदी, इंग्लिश और बस मैं इतना ही आपको समझा रहा हूँ। और इसके बाद टोटल यहाँ दे देता हूँ, परसेंटेज दे देता हूँ और डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ये है इसको मैंने डिलीट किया, रोल नंबर यहाँ रखा, जैसे मैंने फॉर्म में बताया इसको डिलीट किया, एस नेम यहाँ रखा इसको डिलीट किया, हिंदी इसको डिलीट किया और यहाँ पे गया सीधा रखा रोल नंबर। ठीक है कंट्रोल सी कंट्रोल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम जी। हिंदी, ठीक है, ऐसे ही आप लिख लेंगे एक बनाने के बाद। डिजाइनिंग जो आप देना चाहें उतनी अच्छी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, जितनी ज्यादा इस पर डिजाइनिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैंने लिखा ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए इनमें कलर देना है, लेआउट देना है, वो आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से आपको मालूम है बैकग्राउंड रिपोर्ट में देना है वो भी आप दे सकते हैं, कोई भी चेंजेस करना है कलर का लेआउट यदि आपको चेंज करना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, प्रीव्यू दिखा दें या किस तरीके से कुछ रिपोर्ट बन के आएगी। प्रत्येक फर्स्ट डिवीजन कैसा है
तो एक बार आप ट्राई करिएगा रिपोर्ट बनाने की कोशिश करिएगा, फिर मैं कल आपको एक फाइनल रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा और उसको फॉर्म पे अटैच करूंगा। ओके स्टूडेंट, आज मैं वीडियो को